हे गाइस, मैं सुमित को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू के जून 2023 टर्मिन एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरी डिटेल तरीके से किस एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, आगे इसकी लास्ट डेट क्या है और फाइन के साथ और विदाउट फाइन के साथ इसकी लास्ट डेट कैसी रहने वाली है, ये सब कुछ पूरी डिटेल तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो अभी NCHM JEE का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो भी एडमिशन लेने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी ऑलरेडी IHM में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो होने वाला। सो जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, www.ignu.ac.in, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सिंपली इस वाले वेबसाइट पे आ सकते हो। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद हम लोगों ने सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन। इस वाले लिंक पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके सामने में इस तरीके का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। सो अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिल जाएगा, इसको सिंपली हम लोगों ने यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही हमारे सामने में इस तरीके का एक इंटरफेस निकल के रहता है। यहाँ पे आप देख लोगे पूरी डिटेल तरीके से सारा कुछ दिया गया है, गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2023 TEE। अब यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में सबसे पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सो लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर TEE जून 2023 इज 5th of April 2023 6 PM विदाउट लेट फी। गाइज, आप इस फॉर्म को 5 अप्रैल 2023 तक शाम के 6 बजे तक विदाउट लेट फी फिल कर सकते हो। 6 अप्रैल से लेकर के, फिर आप यहाँ पे देख लो इस चार्ट में आपको नीचे दिख जाएगा, यहाँ फिर 6 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल 2023 तक आपका लेट फी ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा RS 500। जो आपका नॉर्मल फी लगता है वो रहता है आपका 200 पर कोर्स, यानी कि पर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे 200 पे करना होता है। और अगर आप 6 अप्रैल से, यानी कि आप अगर आप 5 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल नहीं करते, तो 6 अप्रैल से आपका यहाँ पे 500 रुपया ऐड होना स्टार्ट हो जाता है लेट फाइन। अब यहाँ पे ये 6 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक जो है वो आपका 500 रुपया ऐड होता है। अब अगर आप 25 अप्रैल तक भी इस फॉर्म को फिल नहीं करते, तो 26th of April से आपका यहाँ पे 1100 रुपये लेट फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। सो जो लेट फी आपकी लगेगी 26 अप्रैल से वो 1100 है। तो टाइम एक्स्ट्रा नहीं गवाते हुए आप 5 अप्रैल से पहले पहले तक इस फॉर्म को फिल कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है काई के लिए एक्स्ट्रा फी पे करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही नीचे में आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट देख सकते हो। बाकी IHM में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता ही रहता है कि उनका कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है, क्या है, कैसे है। जिनको नहीं पता आप यहाँ से देख सकते हो या फिर अपने कॉलेज में अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी फैकल्टी से भी पूछ सकते हो। सो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ नीचे और आप आ जाते हो तो डिक्लेरेशन मिलता है। इस डिक्लेरेशन पर टिक करके सिंपली नीचे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो तो आपके सामने में इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम BHM आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और साथ ही सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन है तो वो भी आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे ये सिक्योरिटी कोड ये कैप्चा है, इसको फिल करने के बाद सिंपली हम लोगों ने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने में इस तरीके का आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म TEE जून 2023 ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, आपका नाम, साथ ही एड्रेस पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके लिए क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर का जो कोड होता है वो दिया गया रहता है, तो वो आप एक बार देख लो कि आपके क्लासमेट्स कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर रहे हैं या फिर आपके कॉलेज से आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने को बोला जा रहा है, वो आप एक बार अपने IHM से कंफर्म हो लोगे, अपने दोस्तों से, फैकल्टी से, या फिर जैसे भी आपको ईजी लगे, या फिर अगर आप कोई और आपको पहले से पता है तो वो भी आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने आपका फिल कर देना है, उसके फिर डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर चेंज करना है तो यस करो, नहीं तो नो करके सिंपली आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अपना फिल कर देना है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और बाकी सारी चीज़ें, जैसे PWD, अगर जो भी स्टूडेंट PWD से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आधार नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको देना है दे सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं।
आगे जो मैटर करता है, जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे ये है, कोर्स कोड। आपको यहाँ पे कोर्स कोड आपका देख लेना है। जो अब वैसे स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट, जो अभी जैसे फाइनल ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये कि अगर आपका पहले का कोई पेपर बैक रह गया है, पहले वाला पेपर आपका क्लियर नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पे साथ में फिल कर सकते हो। अब जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए बात कर लेते हैं। जैसे जो स्टूडेंट यहाँ अभी फर्स्ट ईयर से हैं, वो यहाँ पे TS01 और साथ ही BEVAE181 फिल करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर में मतलब 2021 वाले सेशन तक सिर्फ TS01 ही रहता था, लेकिन अभी ये नया एक ऐड हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे एक नया कोर्स ऐड हो गया है BEVAE181, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। तो फर्स्ट ईयर वालों को यहाँ पे दो सब्जेक्ट फिल करना है, दो कोर्स, तो उनका जो टोटल फी रह जाएगा यहाँ पे 200 पर कोर्स के अकॉर्डिंगली 400 उनको आगे पे करना होगा। इसी तरीके से सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट यहाँ पे BEGE 103, TS03 और TS07 सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसी तरीके से फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे TS06 सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एक बार सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे सिंपली सबमिट पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने में इस तरीके से एक प्रीव्यू ओपन होकर के आ जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स आपकी दी गई रहती है, आपका एनरोलमेंट नंबर, एग्जामिनेशन कोड, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपका कोर्स कोड जो है वो भी यहाँ पे दिया गया रहता है और टोटल एग्जामिनेशन फी भी यहाँ पे आपका दिया रहेगा। सो यहाँ पे आगे जो पेमेंट गेटवे है हमारा वो सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पे दो पेमेंट गेटवे दिया गया रहता है, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, दोनों में से किसी एक पेमेंट गेटवे पे आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे 1 सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करते ही हमारे सामने में इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है वो दिया गया रहेगा, साथ ही एनरोलमेंट नंबर है, एग्जामिनेशन सेंटर कोड है और साथ ही जो भी अमाउंट आपका लगना है यहाँ पे। अब पे नाउ पे हम लोग सिंपली क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके से एक इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे UPI का QR कोड स्कैनर भी है जो कि आपका पेमेंट मोड बहुत ही ईजी कर देता है बाकी के अकॉर्डिंग। सो आप यहाँ पे UPI से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे इसको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है और आपका फॉर्म फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जब आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर देते हो, पेमेंट कर लेने के बाद आपके सामने में आपका जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है वो इस तरीके से कुछ प्रीव्यू कर रहा होगा। इसको सिंपली हम लोगों ने प्रिंट कर लेना है और या फिर आप इसका PDF भी अपने पास रख सकते हो। सो गाइज, यही था पूरा प्रोसेस इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का। जो स्टूडेंट फिल कर चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने फिल नहीं कराए, क्योंकि अभी भी अकॉर्डिंग टू इग्नू बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक फिल नहीं कराए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक ये फॉर्म फिल करना बाकी है। तो लास्ट डेट से पहले पहले तक, फाइन वाली डेट से पहले पहले तक आप इस फॉर्म को फिल कर लो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इग्नू का साइट कभी कभार डाउन भी रहता है। तो जितनी जल्दी फिल कर लो आपके लिए अच्छा है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो NCHMCET होटल मैनेजमेंट और इग्नू से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।